टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वसीम अकरम शेख। देवरिया में भाजपा नेता ने लूटी युवती की आबरू, किया वीडियो वायरल, अपने बेटी की सहेली को भी नहीं बख्शा, नौकरी दिलाने के नाम पर किया शारीरिक शोषण। देखिए तहलका टीवी न्यूज पे एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में भाजपा के एक नेता पर एक गरीब परिवार की लड़की के साथ अनैतिक संबंध बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। सूत्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि बेतालपुर निवासी भाजपा पिछड़ा मोर्चा की एक पदाधिकारी ने अपने ही बेटी की सहेली की नौकरी दिलाने के नाम पर पहले झांसे में लेकर संबंध बनाया और चुपके से वीडियो बना लिया, फिर वीडियो क्लिप के जरिए युवती से महीनों दुष्कर्म करता रहा। युवती ने नौकरी दिलाने के दबाव बनाया तो नशे में धुत भाजपा नेता ने अपना आपा खो बैठा और वीडियो क्लिप को अपने कई परिचितों के मोबाइल पर भेज दिया, जो बाद में धीरे धीरे वायरल हो गया। युवती भाजपा नेता की बेटी की सहेली बताई जा रही है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि भाजपा नेता कई लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुका है, लेकिन सत्ता और कुछ सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त होने के चलते वह हमेशा बच जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद भी भाजपा नेता संगठन में बना रहता है कि नहीं, उस पर कोई कार्रवाई हो पाती है कि नहीं, उसके भी पोस्टर चौराहे पर लगते हैं कि नहीं, अब तो यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा सच्चाई क्या है। प्रदेश से राजेश कुमार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर न्यूज की अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलता रहे।